बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये किस तरह होंगी, 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2। इसकी पावर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 की पावर 6, ये हो गया 64 + 0, 2 की पावर 5, 32 + 1, 2 की पावर 4, 16 + 0, 2 की पावर 3, 8, 1, 2 की पावर 2, 4 + 0, 2 की पावर 1, 2 + 0, 2 की पावर 0, 1, ये हो गया 16 + 0 को 32 से तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हमारे पास जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ये हमारे पास आ गई डेसिमल फॉर्म किसकी, 1 0 1 0 1 0 0, ये थी बाइनरी फॉर्म, ये उसके आगे डेसिमल फॉर्म। इसी तरह हम अब लेट कर लेते हैं एक और, ये होगी 1 0 1 0 1, ये है हमारे पास बाइनरी फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2, इसकी पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो हमारे पास इशारा है इसकी जो लेफ्ट साइड पर है वहाँ से शुरू करेंगे, 0 1, ये 2 हो गया, और जो इस साइड पर है यानी राइट साइड पर वो आ जाएंगी माइनस में, −1, −2 और −3, 1 × 2 = 4 + 0 × 2 = 1 2 + 1 × 2 = 1 × 0 = 1 ये इधर पावर है माइनस में, जब ये नीचे आ गई तो प्लस हो जाएगी 0, इधर भी ऐसे होगा ये प्लस हो जाएगी +1, इधर भी पावर नीचे आकर प्लस हो जाएगी, ये हो गया 4। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 × 1 = 1 आ गया, इसी तरह +1/2, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0 0, +1/2 की पावर 3, यानी ये हो गया 1/8, 1/8, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 0.5 + 1/8, यानी 0.125, जब इनको ऐड करेंगे ये 5 + 0.625, ये आ जाएगा 5.625, ये हमारे पास आ गई डेसिमल फॉर्म किसकी, 1 0 1 0 1, ये थी हमारी बाइनरी फॉर्म और इसके आ गई हमारे पास डेसिमल फॉर्म।